सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हैं शौर्य होंडा और आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं एक्स ब्लेड पे, जो कंप्लीट देखो मैट ब्लू कलर पे आया है। और ये वाला कलर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जस्ट समझो 2023 एडिशन, क्योंकि नवंबर तो चढ़ गया है भाई और अभी तक कोई अपडेट नहीं। ये वाली कलर शोरूम पे अवेलेबल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते हो कि ये वाली कलर और है कि नहीं, मतलब कि जब मैंने वीडियो बनाया था तब कमेंट आ रहा था। तो ये वाली कलर अभी शोरूम पे अवेलेबल है, तो आप लोग को अगर परचेस वगैरह करना है तो शोरूम का डिटेल्स वगैरह कंप्लीट दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। एंड 160 सीसी के हिसाब से बहुत ही तगड़ी मशीन है भाई होंडा की तरफ से। फिलहाल इसका हम लोग कंप्लीट रिव्यू वगैरह देंगे। और ये वाली देखो शोरूम पे खड़ी है, तो इस पर बैटरी कनेक्शन है नहीं, तो एग्जॉस्ट नोट लाइट एंड बाकी सब कुछ जो फीचर है वो तो मैं प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा। बाकी इस बाइक का शेप जो है ना बहुत ही अलग शेप लगता है मेरे को, ट्रांसफॉर्मर टाइप का शेप लगता है। जैसा आप रेयर सेक्शन देखोगे, कंप्लीट बॉडी रेयर सेक्शन तो दिखाएंगे, फ्रंट सेक्शन देखोगे जैसा कंप्लीट अलग टाइप का थोड़ा सा लुक है भाई। मतलब कि प्रॉपर समझो मार्केट में जितनी मोटरसाइकिल्स है उससे कंप्लीट अपोजिट लुक आपको इसका दिखेगा। जैसा फ्रंट फेस वगैरह पूरा लंबा फेस है, उसके बाद यहाँ देखो कंप्लीट टैंक का पोर्शन वगैरह हो गया और टेल सेक्शन वगैरह जैसा देखो कंप्लीट आपको अलग फेस इसका लगेगा भाई। और मीटर वगैरह भी अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन फीचर्स वगैरह तो मेरे को याद है, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना। तो ओवरऑल इस बाइक का आज कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को देंगे, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बात अगर स्टार्ट करें इसके फीचर्स का, तो सबसे पहले देखो ब्लू कलर है, मैट ब्लू कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। और इस साइड से देखोगे तो कंप्लीट फ्रंट में आपको एलईडी लाइट्स का वर्क किया गया, एलईडी यूनिट हेडलैम्प सेटअप वगैरह आपको मिल जाते हैं। कंप्लीट फेस जो है वो कंप्लीट देखो स्ट्रेट में आपको मिलेगा, जस्ट मतलब कि छोटा फेस नहीं है, अच्छा खासा लंबा फेस है, जो वाइजर है उससे फेस को और बड़ा कर देता है। बाकी इंडिकेटर्स आपको बल्ब इंडिकेटर वगैरह प्रोवाइडेड है, और इसमें आपको समझो हजार्ड स्विच वगैरह कंप्लीट आपको ऑप्शन दिए गए। फोक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है। और जो इसका फ्रंट फेंडर है मैट ब्लू फिनिश एंड मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया, रिफ्लेक्टर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए दोनों साइड। 80x100 का टायर है, 17 इंचेस का एलॉय व्हील है, टीवीएस टायर्स आपको प्रोवाइड किया गया, व्हील डिज़ाइन देख लो। और सिंगल चैनल ईबीएस आपको इसमें प्रोवाइड किया गया, लाइक यहाँ पे देखो आपको ABS रिंग वगैरह कंप्लीट आपको दिखेगा, रिफ्लेक्टर्स हो गया, ABS का मार्क वगैरह, और सिंगल चैनल ABS प्रोवाइडेड है। तो मतलब कि सिर्फ फ्रंट में आपको ABS है, रियर में आपको ABS नहीं दिया हुआ है। और इस बाइक में आपको सेल्फ के साथ साथ किक स्टार्ट ऑप्शन भी है। तो ये पार्ट मतलब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बाइकों में किक वगैरह हटते जा रहे हैं। इस साइड से अगर आप लोग देखोगे कंप्लीट बॉडी वगैरह तो कंप्लीट टैंक देखो भाई किस टाइप का आपको शेप में दिख रहा है, बहुत ही तगड़ा शेप है इस टैंक का, होंडा का लोगो, फिर एक्स ब्लेड का मार्क वगैरह, ग्राफिक वगैरह पूरे नीचे से टॉप तक दिए गए हैं आपको। और टैंक डायमेंशन की अगर बात करें तो अराउंड आपको 12 लीटर्स का टैंक डायमेंशन आपको प्रोवाइड किया गया। बाकी नीचे में आपको ऑटो सेंसर वगैरह एंड कैटकैन वगैरह हो गया। इंजन की बात करें तो जैसा मैं बताया 160 सीसी का, मतलब 162.71 सीसी है प्रॉपर फिगर्स, 4 स्ट्रोक BS6, 13.8 PS का पावर एंड 14.7 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको प्रोवाइड किया गया। और 5 गियर में बाइक आती है, मतलब 5th गियर ऑप्शन है इसमें, 6th का ऑप्शन नहीं है। कंप्लीट ब्लैक कलर्ड आपको इंजन है, होंडा का मार्क, काउल वगैरह हो गया, उसके बाद साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आपको प्रोवाइड किए गए। यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पार्ट जो है आपको फोल्ड हो जाएगा, ये वाला भी लॉक हो जाएगा भाई। और ऊपर से देखोगे टैंक तो कंप्लीट मैट ब्लू फिनिश आपको टैंक दिख जाएगा भाई, जैसा देखो। और यहाँ पे थोड़े बहुत कार्बन फाइबर फिनिश, कार्बन फाइबर टच टाइप का आपको वर्क दिखेगा इसके जो टैंक का ओपनर उसके अराउंड में। उसके बाद अगर हैंडल की बात करें तो इसका भी आपको कंप्लीट स्ट्रेट हैंडल दिया गया, पास लाइट हो गया, हाई बिन लो बिन लाइट लिफ्ट इंडिकेटर यहाँ हो गया, बाकी यहाँ किल स्विच और ये आपका रिफ्लेक्टर्स लाइट एंड ये इग्निशन हो गया। मीटर स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे समझो गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम वगैरह का, ट्रिप वगैरह का ऑप्शन मिलता है, RPM मीटर मिलता है, फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर हो गया, फिर ABS लाइट हो गया। तो ये सारे फीचर्स आपको मीटर में प्रेजेंट है, उसका टेंशन नहीं लेना। और एक होंडा का लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाकी बटन्स वगैरह तो आपको यहाँ प्रोवाइडेड है। ये हो गया कंप्लीट मीटर हैंडल का। और इस साइड से आपको दिखाते हैं एक बार, देखो यहाँ पे जैसा आपको सेल्फ ऑप्शन दिया गया है ना, वैसे आपको यहाँ पे किक ऑप्शन दिया गया। तो बहुत सारी बाइकों में किक ऑप्शन हटाया जा रहा है, लेकिन इसमें है। बाकी एक्स ब्लेड होंडा का लोगो वगैरह, जैसा आप स्टिकर वगैरह मार्क देख सकते हो। और कंप्लीट इस साइड से भी इंजन देख लो भाई, ब्रेक वगैरह, और यहाँ पे देखो कैट कैन वगैरह प्रेजेंट है। और
इनर थाई सपोर्ट के लिए आप समझो आपको ये पोर्शन दिया गया, तो ये जो आप देख रहे हो ना कट्स वगैरह, आप लोग बैठोगे तो आपको इनर थाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, ये चिपका के रखिएगा भाई, समझ जाओ। बाकी सीट की बात करें तो सिंगल सीट ऑप्शन आपको दिया गया, अच्छा खासा लंबा सीट है। और रेयर का ग्रैब हैंडल वगैरह देख रहे हो, मतलब रेयर के ग्रैब हैंडल का डिज़ाइन ही अलग है थोड़ा, जैसा आप यहाँ पे देखो ना स्प्लिट है ना जॉइंटेड है, लेकिन पूरा डिज़ाइन अलग है। बाकी रियर टेल हो गया भाई कंप्लीट, और राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स आपको बल में दिए गए हैं, टेल टाइडी वगैरह। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कार्बन फाइबर का पोर्शन आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत। और सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन वगैरह प्रोवाइड किया गया। और बाकी यहाँ से आप सीट वगैरह खोल सकते हो, यहाँ पे साड़ी केज लगेगा, चेन वगैरह कंप्लीट ऊपर से देखो कवर्ड है स्विंग आर्म। एंड बाकी रियर में आपको हगर वगैरह प्रोवाइड किया गया। रियर टायर की बात करें तो 130x70 का रियर टायर है, 17 inches का एलॉय व्हील है। एलॉय व्हील साइज आपको जैसा देखो कंप्लीट क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोग समझ सकते हो किस टाइप के डिज़ाइन का एलॉय व्हील इसमें प्रोवाइड है। बाकी इस साइड से अगर देखोगे तो कंप्लीट ये हो गया आपका साइलेंसर वगैरह। एंड साइलेंसर में जैसे देखो डुअल टाइप का फिनिश, तो डुअल आपको नोट। और बाकी रेयर में आपको सिर्फ डिस्क प्रोवाइडेड है, रेयर में आपको ऐसा EBS रिम वगैरह है नहीं, क्योंकि सिंगल चैनल EBS के साथ आ रही है बाइक। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बाइक देखने से बहुत ही ज़्यादा एडवांस लगती है, पूरी इसका जो लुक है ना बहुत ही अलग लगती है भाई नॉर्मल बाइकों से, क्योंकि इसका फ्रंट फेस के कारण। एंड बाकी साइड पैनल्स वगैरह तो आप लोगों ने देखा ही किस टाइप का, इस साइड से मैं दिखा रहा हूँ भाई, जैसा देखो कंप्लीट भाई साइड पैनल्स वगैरह और गजब के लगते हैं इसके, मतलब कि ओवरऑल मैं बोलूँगा बहुत ही तगड़ी लगती है ये वाली मशीन भी, बहुत ही हेवी लगती है। अगर यहाँ से आप लोग देखोगे कंप्लीट वगैरह, यहाँ से आपको समझो वाइजर वगैरह टैंक वगैरह, मतलब हेवी इन द सेंस हेवी तो लगता है थोड़ा बहुत। और बाकी यहाँ पे 160 वगैरह का मार्क वगैरह आपको दिख जाएगा। और बाकी साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर तो रहना चाहिए इस पे। तो ये हो गया कंप्लीट। और ग्राफिक डिज़ाइन मेरे को बहुत ही सही लगा इस वाले मॉडल का, सिल्वर मैट ब्लू सिल्वर पोर्शन में यहाँ पे एक्स ब्लेड वगैरह कंप्लीट। और रेयर में तो कुछ है नहीं, लेकिन रेयर में कंप्लीट मैट सिल्वर पोर्शन में आपको रेयर पैनल दिया हुआ है, और ग्रैब हैंडल कंप्लीट ब्लू में, तो मैच कर रहा है भाई यहाँ से। और बाकी तो इसमें हज़ार्ड इंडिकेटर है ही, और गियर पोजीशन इंडिकेटर है। तो ये दो फीचर जो है ना समझ जाओ, गियर पोजीशन इंडिकेटर बहुत ही कम बाइकों में आते थे, लेकिन अब सब कुछ में अपडेट हो रहा है। और हज़ार्ड इंडिकेटर्स आप लोग को लगाने पड़ते थे हज़ार्ड एक एडिशनल स्विच के साथ, लेकिन कंपनी होंडा में भी अब समझो हज़ार्ड लाइट आपको ऑफर खुद करके दे रही है, चारों इंडिकेटर साथ में ब्लिंक करेंगे। और बाकी तो ये मशीन है ही तगड़ी। बाकी इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम प्राइस हम लोग को पड़ा है इसका 1,22,556 रुपीज़। तो और बाकी बाइक अवेलेबल है शौर्य होंडा में, तो उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आके मतलब कि देख सकते हो या तो कॉल वगैरह करके बात कर सकते हो। सो ये था कंप्लीट इसका रिव्यू वगैरह। मैं एग्जॉस्ट नोट और मीटर नहीं सुना सका, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बाइक तो एज सच अपडेट नहीं है, सिर्फ 2023 मैं कह के बनाया हूँ इसका वीडियो। बाकी बात आप लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल गया होगा। ये वाली मैट ब्लू कलर आप लोग कमेंट किए थे यार बहुत ही तगड़ी लग रही है, तो इसलिए सोचा क्यों ना फिर से एक वीडियो बना लें इसमें, क्योंकि ये शोरूम पे अवेलेबल था, शोरूम पे अवेलेबल भी बहुत रेयर हो रहा था। तो चलो हम लोग वीडियो करेंगे एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ भाई फ्रंट हेड जैसा मैं आपको बता रहा था कंप्लीट देखो, फ्रंट हेड बहुत ही मेरे को तगड़ा लगता है, फ्यूचरिस्टिक लगता है, बहुत ही मतलब समझो पूरी ट्रांसफॉर्मर टाइप मेरे को फ्रंट हेड इसका लगता है। और बाकी साइड पैनल्स भी बहुत ही सही है भाई, बहुत ही तगड़े साइड पैनल्स वगैरह भी है। तो चलो वीडियो हम करेंगे एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ भाई हमें 100K पहुँचा दो। और बाकी वीडियो थोड़ा डिले हो के आ रहा, तो यार क्या ही बताएं, मतलब कि अपना लाइफ ऐसा चेंज हो गया ना भाई कॉलेज जाकर, कि कहीं समझो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना एडिट करने का, और ऊपर से इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत ही कम मिल रहा है मेरे को। तो चलो कोई नहीं, वो सब तो मैं ऊपर आ जाऊंगा उसके इंशाल्लाह, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो चलो वीडियो हम लोग करेंगे एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड राइड सेफ स्टे सेफ। चलो।